5 फरवरी को कुकस परिसर में हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने 6 दिन के अंदर ही पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात को कबूल किया है। शुक्रवार को घुग्गस पुलिस निरीक्षक बीआर फुसाटे ने प्रेस वार्ता में बताया कि शनिवार 5 फरवरी की सुबह 3:15 के करीब धनोरा टोल प्लास पर रुके हुए दो ट्रक चालकों से 7,700 रुपए बदमाशों ने लूटकर फरार हो गए थे। इस दौरान बदमाशों ने पीड़ितों के साथ मारपीट भी की थी। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद घुग्गस पुलिस ने चंद्रपुर साइबर सेल के सहयोग से 6 दिन पूर्व हुई सड़क लूट में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 394 तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों में अनुराग रत्नप्पा भोसले, जैकी गुज्जा भोसले, सीजू कौशन पवार और एक नाबालिग शामिल है। अधिकारी साहब यांच्या मार्गदर्शनास त्या ठिकाणी पुलिस पथकाला जाऊन गडचंदूर पोलिसांच्या मदतीने झडती घेण्यास सांगितले। त्यामध्ये काही इसम त्या ठिकाणी पेट्रोल पंपाच्या मागे मिळून आले होते, त्यांची झडती घेतली। तर त्या ठिकाणी आपल्याला चाकू, मोबाईल, गुन्ह्यात चोरी गेलेला मोबाईल अशा प्रकारच्या वस्तू मिळून आल्यात। त्यामुळे त्या आरोपितांना ताब्यात घेण्यात आले, त्यांची कसून चौकशी केली तेव्हा सदर गुन्ह्यात आरोपी ही निष्पन्न झालेत। 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांचा PCR दिनांक 13/2/2022 पावतो आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। BCN न्यूज के लिए घुग्गुस से सदन बाबू रेणकुंटा की रिपोर्ट।